हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और आप उसमें रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो गाइस रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा और उसके बाद जो है आपको रिकॉर्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा अगर आप ये प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने एयरटेल के सिम में रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से बैक आना है और प्ले स्टोर में अपने चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉइस रिकॉर्डर। तो रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप, रिकॉर्डर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एंड में आपको ऐप डाल देना है, उसके बाद जो है आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। आप इसका लोगो देख सकते हैं, 8वें नंबर पे ये एप्लीकेशन है टॉप टूल्स में। तो आपको इसको पहले इंस्टॉल कर लेना है। समथिंग 5 MB की एप्लीकेशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो जाएगी। ये इस कंपनी की है एप्लीकोटो और ये जो है काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसके पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.3 की रेटिंग है और 100 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर लगेगी इसको डाउनलोड होने में क्योंकि मेरा नेट स्लो है, तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो आप गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो रही है, डाउनलोडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ओपन होने का ये बटन मांग रही है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद फेवरेट यार थीम, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थीम की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर हमारी सेव्ड और हमारी इनबॉक्स दोनों आ जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हमें मेन्यू बार को खोलना है और यहाँ पर सेटिंग्स पर चले जाना है। तो आपको ध्यान रखना है रिकॉर्ड्स कॉल, यहाँ पर ये बटन जो है टर्न ऑन रहना चाहिए। अगर टर्न ऑफ है तो उसको चालू कर लीजिए। यहाँ पर मैंने चालू कर लिया। मैं जो है आपको एक कॉल मिलाकर दिखा देता हूँ 198 पर कि हमारी रिकॉर्ड होगी या नहीं। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग पर लगा देता हूँ। तो गाइज आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग, तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं इसको काट देता हूँ और देन वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि हमारी रिकॉर्डिंग होगी या नहीं। तो मैं इस एप्लीकेशन में दोबारा जाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 00, क्योंकि अभी हमने बात नहीं की और हमारी ये डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइज आप जो है एयरटेल में अपनी जो अपनी रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो गाइज लाइक करना। लाइक करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलता है गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।